ये तो बाबा का बुलडोजर है, तो पार्किंग में रहने वाला है ही नहीं। अखिलेश जी ने अपनी ही पार्टी के विधायक के ऊपर इसी लखनऊ में बुलडोजर चलवाया था। बाबा जो बुलडोजर चलाते थे वो गलत आदमियों पर चलवाते थे, जो गलत काम करता था उसके लिए उनका फैसला गलत है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनके वंश में ही, इनके DNA में ही शुरू से रहा है वोट डालो राज करो। दरोगा नहीं सेव है, गाय की बचिया सेव नहीं है, बकरी सेव नहीं है, तो महिला क्या सेव होगी योगी जी के यहाँ? ये लोग जो है संविधान पर यकीन नहीं करते, संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, इस देश में कानून है, अदालतें हैं। आप बिना कानून के, बिना अदालतों के आप मन मर्जी तानाशाही चला रहे हैं। पिता ने घर बनाया तो बेटा गलती किया, तो पिता घर क्यों गिराया जा रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत, मेरा नाम कनक मिश्रा है। आप सभी को पता है योगी का बुलडोजर आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन इस बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, यानी बुलडोजर पर अब ब्रेक लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, मतलब सारे राज्यों में बैन लगा दिया है। 1 अक्टूबर से पहले अब योगी का बुलडोजर नहीं चल पाएगा। इस बुलडोजर को लेकर के जो विपक्ष है वो भी आए दिन नई नई कहानियां बनाता रहता है। विपक्ष का कहना है कि माइनॉरिटीज़ पे बुलडोजर ज़्यादा चलता है। तो आइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर, बुलडोजर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है ये किस हद तक सही है, या क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राणा सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आज जो कल रात में जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है बाबा जी के, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक सही है? मैं जो रोक लगा वो 100% गलत रोक लगा है। बाबा जो बुलडोजर चलाते थे वो गलत आदमियों पर चलवाते थे, जो गलत काम करता था उसके लिए उनका फैसला गलत है। लेकिन आज जो है अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब उनका ब्रेक फेल हो गया बुलडोजर का। और ये उनका विपक्षी है, जो उनका कहना ये है कि बुलडोजर माइनॉरिटीज़ पे चलता है, जो मतलब मुस्लिम हैं या और जाति के हैं उन पर चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो गलत काम करता है उसी के ऊपर चलता है, कोई जरूरी थोड़ी है माइनॉरिटी पर चलेगा। जो गलत काम करता वही उसी पर बुलडोजर चलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% गलत है। गलत है, फैसला गलत है 100%। नहीं, वो ये कह रहा है कि जो आपने निर्माण किया है अवैध जमीन पर, तो वो सब अधिक्रमण करके उन सब पे बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके यहाँ तो सरकार बुलडोजर चला देती है। सरकारी जमीन पर हटे ना हटे, जो अपराध किया है उसका सबसे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% गलत है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। यही कहना है क्या, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग तो बताइए, क्या कहना है आपका? नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको अच्छा क्यों लगता, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो दूसरा वो है कि मतलब जो गलत भी चल रहा था बुलडोजर, कहीं कहीं गलत वो नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं गलत चला, हाँ हाँ वो नहीं होना चाहिए। मतलब अब हम सार जगह नहीं बता सकते हैं, लेकिन माफियाओं के खिलाफ चलना चाहिए। आपका क्या नाम है? सुहेल। ये बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है कि बुलडोजर पर बाबा के ब्रेक लगा दिया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी एक्शन है या जो भी बुलडोजर चल रहा है कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के दायरे में है तो सही है बस। अगर उसको कोर्ट कहता है सही है तो भी सही है, और कोर्ट कह रहा गलत है तो गलत है। तो गलत है, हाँ गलत है। आप क्या कहेंगे? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और जो ब्रेक लग गया वो गलत हुआ, लगना चाहिए था, गलत है ये। और जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ठीक हुआ बुलडोजर को थोड़ा पार्किंग में खड़ा करना चाहिए भाई, ये तो बाबा का बुलडोजर है, तो पार्किंग में रहने वाला है ही नहीं। हाँ। जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चले ही चलेगा। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो सही करता है उस पर भी बुलडोजर चल रहा है, मतलब जो नीची कास्ट के हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। नहीं नहीं, जो सही है उन पर क्यों चलेगा बुलडोजर, जो गलत है उन पर बुलडोजर चलेगा और चलना चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए कि जैसे कि योगी जी के बुलडोजर पर अब रोक लगा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर से पहले वो अपनी मर्जी से कहीं भी बुलडोजर नहीं चलवा सकते, तो आपको क्या लगता है कि फिर वो योगी महाराज जो हैं वो थोड़ा सा थम जाएंगे, या फिर अपना जो काम कर रहे थे वो सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, वो सब जारी रखेंगे? मैडम, पहली बात तो बुलडोजर पे ये मैं कहना चाहूँगा कि ये योगी जी के बुलडोजर पे रोक नहीं लगी है, पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई पे 1 अक्टूबर तक की रोक लगी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार ने उस पर बुलडोजर तो बेसिकली जाना जाता है ना बाबा के नाम से, उससे पहले भी बुलडोजर था। आपको याद नहीं होगा 2016 में अखिलेश जी की जब सरकार थी
तो उन्हीं के पार्टी के विधायक के ऊपर, अखिलेश जी ने अपनी ही पार्टी के विधायक के ऊपर इसी लखनऊ में बुलडोजर चलवाया था, तो बुलडोजर उस समय भी था, लेकिन आज बुलडोजर का थीम अलग है। बात है महिला उत्पीड़न या बच्चों की, बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध की, उस पर तो बुलडोजर क्या, उस पर तो जितनी भी कड़ी सजा देनी चाहे, सरकार दे, न्यायपालिका दे, इस तरीके के अपराध को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। रही बात बुलडोजर की समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए अधिकारियों ने कभी कभी ऐसा बुलडोजर चला दिया है जो मानवता को शर्मसार होता है। जैसे कानपुर में एक परिवार था जो झुग्गी झोपड़ी में रहता था, कुछ उलझने हो गई शासन और प्रशासन के बीच, वो झोपड़ी जल गई, बुलडोजर से उसका घर जाए, वो जल के पूरा परिवार मर गया। तो वहाँ पे बुलडोजर चलाना उचित था कि नहीं था, ये शासन को देखना चाहिए। गरीबों के साथ जैसे मान लीजिए कोई 50 वर्ष 100 वर्ष से बसा हुआ है, वो भूमिहीन है, उसके पास ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन अब शासन की निकल रही है, तो शासन को सोचना चाहिए कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उनको कहीं विस्थापित किया जाए, उनको कहीं रहने का मकान दिया जाए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बोलता है इस बात को, और संवैधानिक रूप से देश चले। बुलडोजर के प्रति हम बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नाराज भी नहीं है। बुलडोजर चले, अपराध के ऊपर चले, अपराधियों की कमर तोड़ी जाए, लाकर ना करके पूरे परिवार को उसकी सजा दी जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि खाली माइनॉरिटीज पे चलता है बुलडोजर, जो मुस्लिम होते हैं उनके घर पहले चलाते हैं, बाकी जो और कास्ट हैं उनको नहीं देखते, तो क्या ऐसा सच में योगी बाबा भेदभाव कर रहे हैं? इस पे इंडिया गठबंधन क्या कह रहा है मैंने इस बाइट को नहीं सुना, लेकिन ये बात सच है कि अभी लखनऊ में एक बरसात हुई थी, एक लड़की के साथ जो अनजानी महिला थी उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसके ऊपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आप भी एक महिला हैं, मेरे घर में दो बच्चियां हैं, मेरी पत्नी है, अभी एक BHU में कांड हुआ था, वो किस पार्टी के लोग थे, उस पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं है और उन सबकी जमानतें हो गई। तो कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। BHU जैसे इंस्टीट्यूट में अगर छात्राएँ नहीं सेफ हैं, तो इसका मतलब ये सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है, तो आपको क्या लग रहा है कि सही है या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वो तो तोड़े ही जाएंगे, जो लीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक उसने लगा रखी थी, यही तो व्यवस्था पहले से चली आ रही है। लगता है कि सरकार लीगल पे भी चला देती थी? नहीं, लीगल पे कहीं नहीं चलाया है, हमारे गाँव में तो सैकड़ों मकान है, कहीं नहीं चला है। नहीं, अवैध जो निर्माण हुए हैं उस पे तो चलाएंगे ही, लेकिन जैसे कोई अपराधी होता किसी था, किसी ने ग्राम समाज कब्जा कर लिया, हाँ। किसी ने बंजर कब्जा कर लिया, हाँ। किसी ने चरागाह कब्जा कर लिया, किसी ने तालाब पर कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो उसको तो अतिक्रमण करने वालों पे तो चला ही रहे हैं, लेकिन जैसे कोई किसी के साथ दुष्कर्म कर देता था या छेड़छाड़ कर देता था, कोई आरोपी होता था, तो उसके घर पे बुलडोजर चलता था, वो 1 अक्टूबर तक रोक लगा। उसका अवैध निर्माण है तभी चलता है, अच्छा, और अगर अवैध निर्माण नहीं है, उसका सही भूमि में बना हुआ निर्माण, तो वहाँ बुलडोजर कहीं नहीं चला है। अच्छा, तो फिर क्यों रोक लगाई? सुप्रीम कोर्ट अपना डायरेक्शन इशू करना चाहता है, तो अपना एक अलग से डायरेक्शन बनाएगा जो पूरे स्टेट पूरे देश में लागू होगा, इसीलिए उसने रोक लगा रखी 15 दिनों की। अच्छा अच्छा, और विपक्षी कहता है कि सिर्फ जो नीची कास्ट के लोग हैं या जो माइनॉरिटीज हैं उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, ये तो केवल विरोध की राजनीति है, केवल विरोध की राजनीति है। हमको विरोध करना है तो आप कितने भी सही होंगे, अच्छे होंगे, हमको आप बुरे लगेंगे। आपका क्या नाम है? जी आकाश मौर्य मेरा नाम है। आकाश जी, ये बताइए कि ये बुलडोजर वाली जो ब्रेक लगा दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि किस हद तक सही है? नहीं, बहुत सही डिसीजन है। अच्छा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे अगर कब्जा किया है तो उसे तो हटाना ही चाहिए, और जो ये किसी कोई अभियुक्त है, किसी के ऊपर शक है, अभी से जस्ट FIR ही हुई है, और उसका मकान गिरा दिया जाए, उसका पूरा परिवार इसलिए परेशान हो, ये बहुत अनुचित था। जब तक प्रूव ना हो कि उसका इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर वो किसी चीज़ में संलिप्त पाया गया, तब तक उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने डिफेंस का, तो ये कुछ हद तक बहुत सही डिसीजन है। आपका क्या नाम है? BN मौर्य है। चलिए, आप बताइए कि इस बात पर आप कितना सहमत हैं, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। अब रही बात जो अपराधी की FIR होते ही सीधे उसका घर गिरा दिया जाए, उसका प्रतिष्ठान गिरा दिया जाए, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। ये पूरी तरह से गलत कार्रवाई है। FIR फौरी तौर पर दर्ज कर दी गई है, वो सही है कि गलत है ये जांच का विषय है, और जांच के बाद न्यायपालिका का विषय है।
जब तक कोई प्रॉपर्टी को गिराया जाना ना गिराया जाना, विधिक तौर पर न्यायपालिका में उसको जाने का हक न मिले, सही गलत साबित करने की बात न तय हो जाए, तब तक सीधे FIR होते ही गिरा दिया जाना बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल से वो गलत है। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है। आप क्या कहेंगी इस बात को? नहीं, मैं भी यही कहूँगी कि जो निर्णय आया है बहुत बढ़िया आया हुआ है, क्योंकि भाई ऐसे कोई भी चीज़ आप मतलब क्या सही है क्या गलत है बिना जाने अगर आप कोई चीज़ कर देते हैं मतलब लोगों के ऊपर तो वो गलत है। बट कहीं ना कहीं जैसे कि अपराध भी मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से थोड़ा रुका हुआ है, थोड़ा तो मतलब लोग डरते हैं हाँ कि मतलब मैं ये काम करूँगा तो शायद ये चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ठीक थी। मगर मुझे बहुत बुरा भी लगता था भाई, जब किसी का घर बनाया वो इंसान कितना जोड़ के बनाता है ना, और फिर उसके बाद बस तुरंत एक लेटर आता है कि FIR हुआ और आप घर गिरा देते हो। इंसान ने किसी का घर भी तो बिगाड़ा था, ये भी तो देखिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, तो वही मैं कह रही हूँ, नहीं कोर्ट का जो निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मगर जो थोड़ी सी चीज़ें थी आपराधिक मामले, मुझे लगता है कि 10% वो रुकी हुई थी। ये कह रहे हैं दादा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दिया है, अब उसका जो उसको कहा थोड़ा पार्किंग पर खड़े हो जाओ, अब तो क्या लग रहा है आपको कि सही किया कि गलत किया? बुलडोजर पर रोक लगाकर अभी तो दूसरी तारीख को इसका फिर निर्णय होगा, तब तक के लिए एक तारीख तक लगाया है। लेकिन वह रोक सुप्रीम कोर्ट की विचारों से युक्त है, और इनका विचारों से युक्त नहीं है, ये तो बाबा जी का जोश है। तो आप कहना है कि गलत जगह चला देते थे, लोग रहते हैं एक घर में पचपाते नहीं, एक उसमें अपराधी है, बेटा बाप की बात नहीं मानता, भाई भाई की बात नहीं मानता, तो अपराधी एक है। अब उस वो नहीं मानता घर वालों की बात, अगर अपराध करता है तो अब उस एक अपराधी के बदले उसको पकड़कर उसको दंड दो, कड़ी धाराएं लगाओ, कड़ा दंड दो, ये सब ठीक है। उसको दंड देने के बजाय तुम घर गिरा दिए तो सबके सब लोग परेशान हो गए, जबकि सबका उसमें दोष नहीं है, तो ये बुलडोजर नीति कहाँ तक सही है? जो लोग कब्जा करते हैं वो कब्जा करने में बुलडोजर पर तीन प्रकार का रहस्य होना चाहिए। अच्छा। एक बुलडोजर पर ये रहस्य जिनके कई कई मकान हैं जमीनों पर, जास्ती सरकारी जमीन पर कब्जा किए, पूंजीपति हैं माफिया हैं, उन पर तो बुलडोजर चलना न्याय संगत है, बिल्कुल सही। एक बात, दूसरे लोग जो जमीन पड़ी थी कुछ सरकारी अधिकारियों ने कुछ पैसे घूस ले करके और उनको उस समय दे दिया, अब वो 10 साल से 20 साल से बनाए उस पर, वो जानते थे नहीं, वो तो पैसा लेकर पर किनारा हो गए। अच्छा। अब उनका गिराया जा रहा है, उनको गिराने के बजाय सरकार अपनी जो जमीन लेकर के जमीन देगी, बेचेगी जमीन, तो जब बेचेगी जमीन तो सरकार उनसे महीने प्रति किस्त बांध दे किराए जमीन की कीमत की। सही। दूसरा ये न्याय संगत है, बिल्कुल सही। और तीसरा, जिनके पास गरीब इतने असहाय हैं कि वो न तो कीमत दे सकते हैं और झोपड़ी डाल कर अगर पड़े रहे हैं, उनको क्षमा करके या तो दूसरी जगह उनको दे दे बसाने के लिए, सही, और नहीं तो उनको वहीं रहने दे, बिल्कुल सही, ये न्याय संगत। आपको क्या कहना है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट को कूट कूट बधाई देते हैं। हाँ। कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बड़ा संज्ञान अगर लिया है तो सुप्रीम कोर्ट बधाई का पात्र है। दूसरी चीज रह गई है, कोई भी मतलब काम किया जाए हिंदुस्तान में तमाम माताओं बहनों की सिंदूर बिंदिया चूरिया त्याग के तमाम महिलाओं पुरुषों ने अपनी जो है प्राण दे के तब हिंदुस्तान को सोने की चिड़ैया बनाया, जैसे झांसी की रानी साहब ने अपने कमर पे बेटे को बच्चे को बांध के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जो आज हम भी बोल रहे हैं। दूसरी चीज, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर भाजपा में कोई सोबर चेहरा है और देश को चलाने लायक है, वो है राजनाथ सिंह। अगर राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री एक साल के लिए बना दिए जाएं, तो हम ये समझते हैं जैसे 10 महीना उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतिहास में लिखने वाला हो गया, वैसे विदेशों में उनके इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल एक साल का मात्र लिखने वाला होगा। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई गाँव, जो जमीन 10,000 रुपये बीघा नहीं पूछी जाती थी वो 10 लाख रुपये बीघा पूछी जा लगी। किसानों के हित का किसान कार्ड में 2 रुपया ब्याज, 100 रुपया पर मतलब 2 रुपया ब्याज पड़ता था, सबसे ज़्यादा किसान की फायदे वाली जगह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा। सन 77 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने थे तो उन्होंने विदेश की रास्ता खुलाई थी।
आज की डेट में अगर भाजपा को चलाने वाले और पनपाने वाले कोई लोग हैं तो नंबर एक पर राजनाथ सिंह जी और नंबर दो पर गडकरी जी, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई को परिवार के तरीके से लेके चलने वाले हैं। हम यही मोदी जी से निवेदन करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से भी निवेदन करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि एक बार राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के जरूर मौका दिया जाए और राजनाथ सिंह जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का एक साल का मूल्यांकन करा लिया जाए। मोदी जी के माननीय 7 साल 6 साल 10 साल का कार्यकाल का मूल्यांकन करा लिया जाए, अगर ना सही निकले तो जो चोर की सजा हो हम सजा झेलने पर तैयार हैं। मुद्दा विहीन हो गए, पूछ रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक लगाई है उसको किस नज़र से देखते हो आप, तो आप जो है दुनिया भर की बातें बता। हम सही नज़र से देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को हमने एक ही बात में आपको बता दिया कि हम बधाई देते हैं। अच्छा। कि काम जो भी हो न्याय के तहत होना चाहिए, कानून के तहत होना चाहिए, संविधान के तहत होना चाहिए। बाकी जहाँ तक सरकार चलाने वालों को और सत्ता चलाने वालों को, तो इसलिए हमने राजनाथ सिंह जी की सराहना की है क्योंकि राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल आज 50 साल का हो रहा, चाहे संगठन का भाजपा में ऐसा कोई पद रहा हो जिस पर न रहे हो और प्रदेश से लगा के और केंद्र तक मंत्रालय में मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ भी रहे, इसलिए हमने सराहना की है। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से, क्या नाम है आपका? अध्ययन द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पे रोक लगा दिया है तो आपको क्या लग रहा है कि हद तक सही है? ये कहाँ रोक लगा, रोक मतलब इसलिए है एक तारीख तक, 1 अक्टूबर तक। उसमें ऐसा नहीं है कि जो जो अवैध है, जो नाले पे निर्माण है, जो नजूल की जमीनों पे है, उस पर कोई रोक नहीं है। जो गलत है वो गिरेगा, जो नहीं गलत है वो नहीं गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल मकान बने हुए हैं, जो सही है उस पे तो कोई रोक नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपराधी है, किसी ने किसी के साथ छेड़छाड़ किया, दुष्कर्म किया, उस पे लगा दिया। जो जो अपराधियों के भी जो बिल्डिंगें गिर रही हैं वो कहीं ना कहीं अवैध पहले हो रही हैं, तब वो गिर रही हैं। अच्छा। बेवजह नहीं गिर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कहते हैं बुलडोजर चलता रहा और चलता रहेगा। अखिलेश यादव जी और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये बुलडोजर है ये माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है उन पे चल रहा है, ये पंडितों पे और मतलब जातिवाद समझ लीजिए एक तरीके से कि जातिवाद हो रहा है। जिनकी आपने बात किया है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, इनके वंश में ही, इनके डीएनए में ही शुरू से रहा है फूट डालो राज करो, और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए, आदरणीय योगी जी को बदनाम करने के लिए। तो देश में अब ये राजनीति जो कर रहे हैं वो जातियों में विभाजित कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और बांट करके अपनी राजनीति को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ नहीं है। लोग ये तो केवल जो भी है ये बांटने का काम कर रहे हैं। बाकी देश में जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश बांटा किसके शासन में? कांग्रेस के शासन में। धर्म के आधार पर किसने बांटा? कांग्रेस ने बांटा। कश्मीर में 370 कौन लाया? बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ किसने किया? कांग्रेस ने किया। तब देश नहीं बटा। आज जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हर घर को जल दे रहे हैं, हर घर को राशन दे रहे हैं, तो उसमें जाति नहीं देख रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे हैं, मजहब नहीं देख रहे हैं, तो कहाँ फिर बट रहा है? वो तो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने एक चरैवेद मूल मंत्र के साथ चल रही है वो चलती रहेगी। क्या लग रहा है कि ये सारी जो सोच है ये सब आपकी है कि और भी जनता की है? क्योंकि अगर जनता इस तरीके से सोचता तो इस बार उत्तर प्रदेश में जो झटका मिला है योगी जी का वो ना मिलता। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का जो जनादेश रहा है वो कहीं ना कहीं वो जो आपने पहले हमने बताया नहीं, वो जातियों में इन्होंने बांटने का जो काम किया, ये अपनी बातों को हावी कर ले गए। भाजपा के कार्यकर्ता उन बातों को लेकर के वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता ज़्यादा आश्वस्त रह गए कि हम 14, 17, 19, 22 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी अति आत्मविश्वास इनको ले डूबा, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता पुनः जाग रहा है और आने वाला 2027 जो होगा ये बता देगा कि एक बार ये पुनः उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय योगी जी के, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपका क्या नाम है? महेंद्र मिश्रा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब बुलडोजर पे रोक लग गया है तो क्या लग रहा है कि बाबा जी पे भी थोड़ा रोक लगेगा? बाबा जी भी आराम करेंगे या फिर जो वो मुजरिमों के खिलाफ बुलडोजर चलवा रहे थे तो वो सारी चीज़ें वो जारी रखेंगे? नहीं, वो तो बाबा जी का बुलडोजर मुजरिमों के खिलाफ तो कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर रोक नहीं लगेगी। हाँ। वो लगातार चलता रहेगा। भाई क्या दिक्कत है, अगर कोई मुजरिम है और उसके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है तो उसमें तो आम जनता को कोई परेशानी नहीं है। आम जनता को परेशानी जब होगी जब गलत का मतलब जो सही होगा व्यक्ति उसका घर गिरेगा, तब
पक्षी कहता है कि कोई जांच नहीं की जाती, जैसे ही एफआईआर करी जाती है वैसे ही बुलडोजर चला दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि चलाना सही है? किसी कोई मतलब कोई सामान्य व्यक्ति हो जो मुजरिम ना हो, उसका घर गिरा हो तो वो बताए कि हमारा घर गिरा दिया गया है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा घर गिरा दिया गया। अगर छोटे बेटे ने गलती करी है तो पूरा घर क्यों गिरा देते हैं, आप ये बताइए भाई। उसका छोटे बेटे ने गलती करी तो है तो उसी घर का। वो जो सम्मन अर्जित की गई वो लीगल तरीके से अर्जित की नहीं, कि स्वाभाविक है कि अनलीगल तरीके से अर्जित की गई। गोंडा से मैं रहने वाला हूँ, गोंडा में एक पंचर बनाने वाला आज करोड़ों अरबों का मालिक है। सलीम टायर हमारे यहाँ के पकड़े गए। कौन सा टायर वाला है? सलीम टायर। जमील टापू जैसा नाम है, खलील टायर। खलील टायर गोंडा में पंचर बनाता था, बाराबंकी से जाकर के गोंडा में पंचर बनाता था। आज उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, तो कहाँ से अर्जित किया? अच्छा, कह रहे हैं बीएचयू में एक रेप केस का मामला आया था, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो वो बीजेपी का ही प्रवक्ता था, बीजेपी का ही आदमी था, तो उस वजह से उसके घर में बुलडोजर नहीं चला, उसको माफ़ कर दिया गया। खैर ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर जानकारी में होता तो मैं ज़रूर बताता। अच्छा। मेरी जानकारी में नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुलजार सलमानी है। अच्छा, ये बताइए कि जो बुलडोजर चला रहे हैं लगातार योगी बाबा, इस पर रोक लगा दी गई है, तो आप बताइए इससे आप सहमत हैं या नहीं? संविधान की जीत है, संविधान की जीत। ये लोग जो है संविधान पर यकीन नहीं करते, संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, इस देश में कानून है, अदालतें हैं। आप बिना कानून के, बिना अदालतों के आप मन मर्जी तानाशाही चला रहे हैं। वोट दे के जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। भाई साहब, संविधान की बात कर रहे हैं, 2017 के पहले यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीओ को गाड़ी पर बैठाकर दौड़ाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता दौड़ाया। आज उनके मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती। संविधान के बलात्कार हो रहा है। बाबा साहब को सम्मान देने वाला अगर कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सम्मान दिया है? अरे भारत रत्न आप तक क्यों नहीं दे पाए? भारत रत्न अगर किसी ने बाबा साहब को दिया, बाबा साहब को संविधान बीपी सिंह जी ने दिया था, उन्हीं ने ही पार्लियामेंट किसने दिया? मूर्ति भारत रत्न बीपी सिंह जी ने पार्लियामेंट में भारत रत्न किसने दिया? भारत रत्न वो माननीय राजनाथ सिंह की बदौलत से मिला है। अच्छी बात है, चलिए ठीक है। भारत रत्न जो मिला है माननीय राजनाथ सिंह की बदौलत से बाबा साहब को मिला है। राजनाथ सिंह जी का तो मैं स्वयं सम्मान करता हूं। मोदी जी को प्रधानमंत्री भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रोजेक्ट किया था। प्रधानमंत्री जी ने भी मोदी जी को प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट किया था। और बाबा साहब को अगर सम्मान किसी ने दिलाया तो बीपी सिंह ने दिलाया। बीपी सिंह ने बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के अंदर रखवाई थी। और अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री किसी ने प्रोजेक्ट किया था वो माननीय राजनाथ सिंह जी, अपने कार्यकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अगर बधाई के पात्र हैं कोई, तो राजनाथ सिंह जी हैं। ये बताइए अब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबा के बुलडोजर पर रोक लगा दी है 1 अक्टूबर तक, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि सही हुआ कि नहीं होना चाहिए था ऐसा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत सही हुआ, लेकिन किस पे लगा है इस पे गौर करिए ना। अगर किसी अपराधी का दोष भी सिद्ध हो जाता है, दोषी भी मान लिया जाता है, तो उसके घर पे बुलडोजर न चलाया जाए। चूंकि उसके परिवार है, माँ है, बहन है और पिता है बुजुर्ग, तो उसके घर पे, और पिता ने घर बनाया तो बेटा गलती किया तो पिता घर क्यों गिराया जा रहा। लेकिन जो रोड पे घर बना लेगा, ग्राम समाज के घर, ग्राम समाज की जमीन पे घर बना लेगा, पोखरे और तालाब का घर बना लेगा, उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, उस पर नहीं रोक लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य है। और बहुत नहीं आया अभी, रोक लगी है, उसके बाद डिसीजन लेंगे 1 तारीख के बाद बताएंगे। अरे 1 अक्टूबर तक तो लगा दिया है। हाँ। इससे पहले तो किसी के यहाँ नहीं जाएगा ना, जो भी अपराधी है या दोषी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर योगी जी को लगाना था, ये बुलडोजर चलाना था, तो जिसके ऊपर 55 मुकदमे हैं, 58 मुकदमे हैं, 88 मुकदमे हैं, 100 मुकदमे हैं, जो दुर्दांत अपराधी हैं, उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर अभी तक चलाए? 75 जिले हैं, 75 जिलों में टॉप 10 अपराधी हर जिले में है, लिखा पढ़ी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, शासन के लिखा पढ़ी में है, इनके घरों पे अब तक क्यों नहीं बुलडोजर चलवाए? 7 साल हो गया, और जो MLA MP उसी अपराधी जगत से बन के चले आए, 10 मर्डर किए हैं, तो कोई 15 मर्डर किए हैं, कोई 4 मर्डर किए हैं, मर्डर कर करके विधायक और MP बने हैं, और वो इसी सदन में बैठते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके घरों पे क्यों नहीं अभी तक बुलडोजर चलाए? आपको क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने अभी कहा, जैसे हमारे जो हैं बड़े भाई जो हैं, कि देखिए अपराधी सिर्फ आरोपित होने से
वो बात ठीक है, आरोपित है कानून की नज़र में, वो जुर्म मतलब उसने जुर्म किया है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप परिवार के जो सदस्य हैं जो निर्दोष हैं आप उनके जो है सबसे छत छीन लें। कहीं ना कहीं उनका घर भी आबादी होता है जी। हाँ बिल्कुल सत्य कह रही हैं आप जो है, और इससे जो है अवैध निर्माण नहीं होता है तो बुलडोजर नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी इलीगल तरीके से बनाए हुए होते हैं जी। क्या कह रही है, मैं कह रही हूँ कि इलीगल तरीके से उन्होंने भी निर्माण किया होता है इसीलिए बुलडोजर चलता है। नहीं वो चीज़ एक अलग है, मगर फिर भी जो है आदमी को देखना चाहिए, कोई एक आदमी की तो बात है नहीं। देखिए एक एक इंसान की बात की तो है नहीं कि इलीगल किसी ने, मान लो जैसे मान लो यहाँ किसी ने दुकान खोल ली उसका हटाना, मगर एक सामूहिक एक बहुत बड़ा जनसमूह आप उसको ऊपर बुलडोजर फेर दो, ये बहुत जो है चीज़ गलत है जो है, ये आपको खुद सोचना चाहिए स्वयं का। अगर आपका परिवार हो तो कैसी आप, जब वो इनलीगल बना है उसके अपराध करने के बाद ही नज़र आया है उसको, ये इनलीगल बना है, उससे पहले उसका जिलाधिकारी कहाँ है, नगर निगम के लोग कहाँ हैं, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। आप मेरी बेटी हो, मैं अपराधी हूँ, मुझे सजा दे दी कोर्ट ने, तो आपका घर क्यों बदला बर्बाद किया जाएगा, आपको क्यों सड़क पर लाया जाएगा, आपका क्या दोष है उसमें। तो उसके लिए एक सही अपराध क्या होता है, अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, छेड़छाड़ होती है, तो उसके लिए सही अपराध आपकी नज़र में क्या है? यहाँ नज़र मत देखो, यहाँ तो सिर्फ एक मेरा यह अलग अलग सवाल है आपसे कि उसके लिए आपकी नज़र में एक अच्छा अपराध क्या होगा, क्या दंड होगा उस अपराधी के लिए? कानून में बहुत सारी धाराएं हैं, उनको सजा देगी कोर्ट है, न्यायालय है, ये किस लिए बने हैं? कानून वाले तो अफजल गुरु के फांसी के लिए भी याचिका दायर करते हैं। अरे वो तो सबके लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, कचहरी खुलवा देते हैं उनके लिए। आपके जो अपराधी है, अपराधी के साथ जितना बलात्कारी को, एक बलात्कारी को सुनिए, बार बार पैरोल देते हैं, न्यायालय होता है क्यों देते हैं? किसी के दबाव में नहीं होता, न्यायालय स्वतंत्र होता है और न्यायालय के सहारे देश। देखिए अभी एक सज्जन काके गए, शायद उन्हें नहीं मालूम है कि यही न्याय की प्रक्रिया है कि अफजल गुरु को भी, अब्दुल कसाब को भी आधी रात को खोल करके अपनी बात को कहने का अधिकार देता है। इसलिए उसमें अक्षम होने के बाद उनके उनके तेल डाल के जला देना चाहिए चौराहे पे। एक रोटी चोरी करने वाले को क्या इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए? क्या डकैती के संदिग्ध वाले को आप इनकाउंटर करेंगे, मंगेश यादव को? आप संविधान में आपका जुर्म के हिसाब से संविधान में सजा है ना जेल के लिए? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बात मंगेश यादव है इसलिए है या फिर सही और गलत की? यहाँ जनता की बात है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। अब ये अमित सिंह जो हैं, दो लड़की को उठा के ले आते हैं, रेप करते हैं, उनको केक खिलाया जाता है। ये जो आपका कुणाल पांड्या थे जो IIT BHU की लड़की को गोली रख के निर्वस कर देते हैं, फिर रेप करते हैं, उनको उनका बेल हो जा रहा है। राम रहीम गजेंद्र सिंह है जो 4 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं, फिर बकरी के साथ रेप करते हैं। बॉबी पंडित है जो 3 साल की बच्चिया के साथ रेप करते हैं, उनको क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपका मतलब है कि खाली माइनॉरिटीज हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, ऊंची कास्ट ऊंची बिरादरी पे नहीं चल रहा है? जाति धर्म का बात ही नहीं है। मेरा मानना है विपक्ष वाले पे बुलडोजर चल रहा है और अपने पक्ष वाले पे नहीं चल रहा है। आज वो दलित बेटी के जो अयोध्या में साफ सफाई कर रही थी, उसको BJP का नेता, उसके 9 लोग रेप कर देते हैं, उन पे हो गया मुकदमा। ये बाबा को भी हम सोचना पड़ेगा कि रेप 85 साल की बुढ़िया पे रेप हो जा रहा है, उनका घर में बुलडोजर नहीं चल रहा है। आप ये बताइए कि अभी दो दलित बेटी को फरुखाबाद में फांसी में चला दिया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी कल दरोगा पुलिस इंस्पेक्टर को ये हजरगंज में थाना में FIR हुआ है, उन पर उनको किडनैप कर लिया गया, और दो ये दरोगा महिला लखनऊ की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद उनको साइन करा के छोड़ा गया है। जब लखनऊ में दरोगा नहीं है, एक मिनट दरोगा नहीं सेव है, गाय की बचिया सेव नहीं है, बकरी सेव नहीं है, तो महिला क्या सेव होगी? योगी जी के यहाँ 86 अपराध रोज हो रहा है। तो क्या इससे पहले जो और सरकारी थी वहाँ पे सेव थी? योगी जी के यहाँ दिक्कत हो रही है बाहर। मुझे नहीं लगता कि जब से देश आजाद हुआ है या आज तक 2024 तक महिला कभी सेव हुई है। अभी हम आपको डाटा देते हैं, ये 43 ईयर्स में 4,40,000 रेप हुए हैं और इनकी 8 साल में 3,30,000 रेप हुए हैं, NCBR का डाटा है। कहाँ 44 साल में 4 लाख और कहाँ 8 साल में 3 लाख, किसमें हुआ है ज्यादा? 86 रोज रेप हो रहा है, आप काम कुछ करते नहीं। ये जो डाटा आप बता रहे हैं इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। NCBR का देखिएगा 2022, मैं अभी जाके चेक करूंगी। NCBR का 2022 का डाटा है, रोज यहाँ रेप होते हैं, 86 रेप रोज हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और मुंह में पट्टी बांध के बैठे हो, नैरेटिव सेट कर रहे हो, और बुलडोजर गरीब के यहाँ चलाओगे?
संविधान है कि नहीं, संविधान को कूड़े में डाल दो। और अगर आप तालिबानी, जो लोग तालिबान, जैसे तालिबान में क्या है, आप चोरी करो हाथ काट लेगा, फांसी लटका देगा। अब जो लोग तालिबान की सोच रखते हैं वो तालिबान जाएं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी से संविधान से चलेगा देश, तालिबान नहीं है ये। जिनको तालिबान पसंद है वो तालिबान जा सकते हैं हमारा हिंदुस्तान छोड़ के, हिंदुस्तान में संविधान से चलेंगे, डेमोक्रेसी से होगा, हमारा कानून है वो सजा देगा। जय हिंद, जय भारत।